डुमरी की जीप सदस्य सुनीता कुमारी ने सोमवार को पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि पुलिस कोयला और बालू माफियाओं से पैसा वसूलती है, वहीं गरीबों की आवाज उठाने वाले नेता पर केस करती है। इन्होंने डुमरी थाना का एक अधिकारी पर कुलगो के एक मामले को सल्टाने के एवज में 27,000 नकद और 3,000 फोन पे करुआ लेने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस अधिकारी से उनका पक्ष नहीं लिया जा सका है। देखिए, डुमरी थाना की करतूत किन्हीं से छुपा नहीं है। हमारे पति भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार के ऊपर झूठा मुकदमा हुई है और हम यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि हम लोग डबल इंजन की हैं। एक को आप जेल भेजिएगा तो हम एक बाहर हैं। हम लोग गरीब के लिए हमेशा हम लड़ेंगे। आवाज़ हम कभी गरीब का दबने नहीं देंगे, हम लोग हमेशा लड़ेंगे। हमारे पति के ऊपर जो मुकदमा हुई है उसमें आरोप लगाए हैं कि जो मतलब थाना के गेट मतलब बंद कर दिए हैं और सौ को जबरन मतलब ऑटोनोमा रिक्शा में मतलब ले के गए हैं। और दूसरी बात है कि वहाँ के जो भी ग्रामीण थे और हमारे पतिदेव और जनप्रतिनिधिगण जितने भी थे, सब लोग का यही मांग था कि मतलब ये ऑटोनोमा है इसमें सौ को नहीं भेजिए, दूसरा गाड़ी को मतलब कर दीजिए। तो वहाँ से पुलिस की बयान आया कि देखिए यहाँ एक गाड़ी से नहीं जाएगी तो क्या इसके लिए फॉर्चुनर मंगाएं। यही भाषा का जो बात को बोले जो सबको वहाँ थोड़ा तकलीफ लगी, ताकि मतलब ये गरीब की मजाक मतलब उन लोग उड़ाएं, इसे तकलीफ लगी और दुर्भाग्य भी है, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। इसी में थोड़ा हुआ वहाँ पे, जो उन लोग आरोप लगाए पूरा झूठा है। हम लोग गरीब के लिए हमेशा लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे। और देखिए, इन लोग अगर बालू चोरी कोयला चोरी इस पर अगर इन लोग पकड़ते नहीं हैं, केस नहीं करते हैं, इन लोग पैसा लेके छोड़ देते हैं। और देखिए, जो अगर गरीब के लिए लड़ रहे हैं इसके लिए झूठा मुकदमा तुरंत कर देते हैं लोग, इतना मतलब लोगों मन बढ़ा है। हम यही कहना चाहते हैं अगर इस पर केस वापस नहीं होती है तो हम पूरा ग्रामीण के साथ धरना पे बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। मतलब जो ये ठेले नुमा ऑटो से जो सबको भेजा गया था इसकी आप लोग कड़ी निंदा करते हैं? जी, इसमें निंदा करती हूँ। कहा कि जो मांग किए कि इसमें मतलब ऑटो से नहीं भेजिए, इसके लिए दूसरे गाड़ी की व्यवस्था कर दे, लेकिन उन लोग ऐसा भाषा का प्रयोग किए जो हम घोर निंदा भी करती हूँ। और जब ऐसे बोल रहे हैं कि सौ को जबरन ले गए, लेकिन जब जबरन ले ही जाते हैं तो उसमें चौकीदार क्यों बैठे हैं? चौकीदार वहाँ बैठे हैं सौ के ले जाने के समय, तो जबरन कैसे लेके गए? और मेरा पति गया, उसका पहले गेट वहाँ बंद था, थाना का गेट। तो आप क्या चाहते हैं मुकदमा को लेकर? अगर इस पर जाँच पड़ताल करके केस वापस नहीं होती है तो हम ग्रामीण के साथ धरना पे बैठेंगे, हम गरीब के लिए हमेशा लड़ेंगे। पुलिस जो आरोप लगा रही है कि धक्का मुक्की किए हैं, गाली गलौज किए हैं, देखिए ये कितना सही है? देखिए, इस सब बात अगर बोलते तो वहाँ वीडियो क्लिप भी बनी है, वीडियो बनी है। अगर ऐसा बात हुआ, वीडियो में पूरा देख सकते हैं कि क्या बात बोले हैं क्या नहीं, कब एक शब्द का गाली का प्रयोग नहीं किए हैं। इनके ऊपर आरोप भी लगा कि ये धरना पे भी बैठ गए, रोड जाम किए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बैठे लेकिन तुरंत सैड हो गए कि यहाँ गाड़ी हम लोग मतलब रोक नहीं सकते हैं, रोड पर नहीं बैठ सकते हैं। मतलब ये पूरा आरोप जो है वो बेबुनियाद है। बेबुनियाद है। शहर की हृदय स्थली एक्सिस बैंक के निकट राजा बंगला में खुल गया है होटल संगम गार्डन। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस आलीशान होटल व बैंक्वेट हॉल में आप सही अंदाज में ठहरने से लेकर शादी विवाह पार्टी, सालगिरह, जन्म उत्सव, कॉन्फ्रेंस, कॉरपोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत वातानुकूलित डिलक्स कमरे, एक वातानुकूलित बैंक्वेट हॉल, एक 7,000 स्क्वायर फीट का विशाल हॉल, बिग किचन एरिया, 10,000 स्क्वायर फीट का ह्यूज लॉन और ह्यूज पार्किंग स्पेस उपलब्ध है। टॉप क्वालिटी रूम सर्विस, कैटरिंग की सुविधा, 24 आवर चेकआउट टाइमिंग। यहां आप 2,500 से 3,000 लोगों की पार्टी बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से बुकिंग के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें। इस खूबसूरत होटल का पता, होटल संगम गार्डन, कोर्ट रोड, नियर एक्सिस बैंक, राजा बंगला, गिरिडीह।